अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूटी चैनल क्यूटी टिप्स। आज मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशपाश होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। अच्छा, ऐसा है कि आज मैं आपके लिए जो टिप लेके आई हूँ उसमें मोस्टली ये टिप यूज़ होगी उन मदर्स के लिए जो कि अभी रिसेंटली मदर्स बनी है। ये देखिए, मेरे पास है सौंफ और अजवाइन। इनका इस्तेमाल किस तरह करना है और क्यों करना है ये मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट 40 डेज जो होते हैं बहुत ही क्रूशल होते हैं, बेबी के लिए भी, मामा के लिए भी। तो अक्सर ये होता है जब फर्स्ट बेबी होता है वो कोलिक होता है, तो मदर्स जो कि बच्चों को मदर फीड पे रखती हैं उनको ये चाहिए कि नहीं भी रख रही नॉर्मल के हिसाब का या सिजेरियन है जो भी है, ये दोनों चीज़ें आपका वेट लूज़ करने में भी हेल्प करेंगी। दूसरे, ये आपकी फीड को बनाएंगी, जब भी उसको बच्चे के लिए इस तरह से करेंगी कि जी बच्चे में किसी किस्म के कोई गैस के इश्यूज नहीं होंगे। आपने करना क्या है कि एक पतीला लेंगे, उसके अंदर आप डालेंगे पानी, तकरीबन 1 लीटर पानी। उसमें आप डालेंगे 1 चुटकी सौंफ और 1 चुटकी अजवाइन। गर्मियां हैं तब भी, सर्दियां हैं तब भी, क्योंकि अजवाइन भी तासीर में गर्म होती है, सौंफ तासीर में ठंडी होती है। लेकिन ये दोनों इकट्ठे मिक्स करके पानी बॉईल करने का मकसद ये, एक तो बच्चा जब मदर फीड लेता है उसका होता है रंग सा, दूसरे उसको किसी किस्म की कोई कॉलिक इश्यूज हों वो रिजॉल्व होते। यही पानी अगर आप चाहें तो बच्चे को फीडर के अंदर थोड़ा सा आधा पानी नॉर्मल बॉयल हुआ हुआ, आधा ये डालें और उसी के अंदर फॉर्मूला मिल्क डाल के पिला सकते हैं। इससे भी बच्चे के गैस के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, दूसरे आपका वेट भी लूज होता है। आई होप ये टिप आपके लिए काम आएगी। आप इसको 40 डेज तक इस्तेमाल करें, उसके बाद आपने इसको क्विट कर देना। 40 डेज से ऊपर आप नहीं यूज़ करेंगे इसको। और ये हर मदर को सूट कर जाता है, ऐसा नहीं कि बच्चे को सूट नहीं किया या मदर को सूट नहीं किया। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद भी बहुत दफ़ा यूज़ किया है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।